शिवपुरी में लगातार विकास कार्यों को लाने वाली शिवपुरी विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया लगातार अपनी कोशिश करती रहती हैं। इसी क्रम में हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से थीम रोड का निर्माण कार्य हुआ है, जिसमें बीच में डिवाइडर बनाया गया है और जाली लगाई गई है, लेकिन कई जगह पर डबल जाली न लगाकर सिंगल जाली लगाकर उनमें भ्रष्टाचार किया गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? साथ ही जालियों के बीच में डिवाइडर में पौधे लगाए गए थे, जो कि पौधे देख रेख के ना चलते जाली में से गायब हो गए हैं। मुख्यमंत्री के शिवपुरी कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया ने थीम रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिलाए थे, जिसके बाद अब थीम रोड का विकास कार्य किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ना ही पौधे लगे हैं और ना ही पूरी तरह से जाली लगी है। इन सबका जिम्मेदार आखिर कौन है? लगातार शिवपुरी विधायक विकास कार्यों को लाती हैं और शिवपुरी में विकास कार्य कराती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार के चलते उन विकास कार्यों को धरातल पर पूरा नहीं होने देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उस्मान है। कहाँ रहती हो? मैं मीट मार्केट पर रहता हूँ। अच्छा, ये जो थीम रोड का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जी, कितने संतुष्ट है? संतुष्टि तो साहब समय का चक्कर क्या है, कहीं कहीं डबल लगी है, कहीं कहीं सिंगल लगी है बाबू जी। अच्छा, ये कम लगी गई थी, ये ले लेंगे हम इसको करीबन 6-7-8 महीने तो हो गए। 6-7-8 महीने कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरती जा रही है। अब लापरवाही साहब सरकार के हिसाब से है कि उनको जैसा ऑर्डर दिया हुआ उस हिसाब से काम कराए उनने, तो